Hey, you watching YouTube channel IWNB. You get here more education. Hey friends, इस वीडियो में हम देखेंगे 12th physics chapter 5th oscillations. इस चैप्टर की पूरी जो नोट्स है, बेसिक नोट्स, बेसिक कंसेप्ट, एग्जाम में पूछे जाने वाले नोट्स, यह सभी इस वीडियो में हम देखेंगे. हमारा आज का चैप्टर है ओसिलेशंस. सो तुम्हें एक क्वेश्चन तो आता होगा कि ओसिलेशंस मीन्स व्हाट. सो ओसिलेशन इज ए वेरी कॉमन एंड इंटरेस्टिंग फेनोमेनन इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स. इस चैप्टर में जो हमें देखना है वो है मोशन. मोशन यानी गति और ओसिलेटरी मोशन, इसका मतलब हिंदी में है दोलन गति. तो दोलन गति यानी ओसिलेटरी मोशन. सो ओसिलेटरी मोशन की जो कंसेप्ट है वो हम अपने डेली लाइफ में रोज़ ही फेस करते हैं, जैसे कि हम आगे अभी देखेंगे. हमारे इस बुक में भी एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि रॉकिंग ऑफ क्रेडल मींस झूले का झूलना. जो झूला रहता है हमारे घर में जो आगे पीछे होता है वो एक गति है, दोलन गति है. तो वो एक एग्जांपल हम रोज देखते हैं, राइट. और हम देखते हैं जैसे गार्डन में वो झूला झूलता है, आगे पीछे होता है, यानी स्विनिंग ऑफ स्विंग. तो वो भी एक मोशन ही है. और यहाँ पर आगे है मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, जैसे कि हम डेली लाइफ में ये भी फेस करते हैं. जो घड़ी का काटा रहता है वो जब आगे होता है तो हल्का सा पीछे भी आता है. तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा. सो ये भी एक ओसिलेशन मोशन है. और यहाँ पर और भी आगे है द वाइब्रेशन ऑफ ए गिटार और वायलिन स्ट्रिंग. जो हमारे गिटार है उसके जो तार है वो जब हम तार छेड़ते हैं तब कैसे वाइब्रेट होता है, वो भी एक मोशन है. और जो वायलिन है अपना, उसकी जो डंडी होती है वो हम आगे पीछे करते हैं, वो भी एक मोशन ही है, राइट. और आगे है अप एंड डाउन मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए सेविंग मशीन. और आगे है द मोशन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ ए वाइब्रेशन टर्निंग फॉर्क. सो फॉर्क क्या है वो यहाँ पर इसकी ये डायग्राम है, ये देख लो, ये है फॉर्क, ये आगे पीछे होता है. तो ये है इतने सारे एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं ओसिलेशंस मोशन के. ये तो हो गया ओसिलेटरी मोशन के बारे में. और इस चैप्टर का फर्स्ट जो पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ पेरियोडिक मोशन. सो पेरियोडिक मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन है नीचे जो बुक में है, राइट, वो हम अभी देखेंगे. एनी मोशन विच रिपीट्स इट्सेल्फ आफ्टर ए डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पेरियोडिक मोशन. एंड ए बॉडी परफॉर्मिंग पेरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मोमेंटम. द टाइम टेकन फॉर वन सच सेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इट्स पीरियड और पीरियडिक टाइम. और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर पीरियडिक मोशन के दो टाइप भी होते हैं, ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. यहाँ पर है टी और एन. तो ये क्या है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो हमें तुम्हें बताता हूँ. द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द टू एंड प्रो मोशन इज रिपीटेड इज कॉल इट्स पीरियड. एंड द नंबर ऑफ ओसिलेशंस कंप्लीटेड पेयर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, यानी एन, राइट. यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाइनर सिंपल हार्मोनिक मोशन. हार्मोनिक मोशन इज डिफाइनेड एज द लाइनर पेरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच द फोर्स ऑफ रेस्टोरिंग इज ऑलवेज डिरेक्टेड टू द मेन पोजिशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन. यानी इसका सही एग्जाम्पल है स्प्रिंग, जो हमारी स्प्रिंग होती है वो. एग्जाम्पल के लिए इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसे हम फोर्स लगा के आगे की तरफ करते हैं और फिर छोड़ने के बाद वो अपने मेन पोजिशन में फिर से आ जाती है ना. यहाँ पर इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर मेन जो है जनरल एक्सप्रेशन वो है नीचे, तुम ये नोट कर लो, राइट. और यहाँ आगे है वेलोसिटी और उसका फॉर्मूला है वो तुम अच्छे से नोट कर लो और रीड कर लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, राइट. और आगे है एक्सेलरेशन. सो इसका भी ये फॉर्मूला है नीचे और आगे भी है, ये ठीक से राइट कर लो और पढ़ लो और समझ लो, राइट, ये एग्जाम में पूछा जाता है. और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड की यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
performing SHM. SHM means simple harmonic motion. So from its main position is called the amplitude of SHM. और यहाँ पर ये amplitude का formula दिया है, ये तुम note कर लो, right? And next is period. So what is a period? Period mean the time taken by the particle performing SHM to complete one oscillation is called the period of SHM. You know SHM means simple harmonic motion. And here you see formula of period. Now write. And next point is frequency. So frequency ki yahan par ek simple definition hai. The number of oscillation performed by a particle performing SHM per unit time is called the frequency of SHM. So here next point is distinguish between conical pendulum and simple pendulum. And यहाँ पर जो भी point है, ये जो point है ये exam में पूछे जाते हैं distinguish between ऐसे equation के साथ, तो तुम्हें ये अपने notebook में note कर लेना है, right? आगे point है damped oscillation, और यहाँ पर ये जो diagram है ये तुम्हें note कर लेनी है, ये exam में पूछी जाती है, right? और आगे हम देखेंगे इसकी definition, oscillator की definition, right? A damped periodic oscillation of gradually decreasing amplitude are called a damped harmonic oscillation and the oscillator is called a damped harmonic oscillator. और यहाँ पर जो आगे पॉइंट है वो तुम्हें नोट कर लेने हैं, राइट? और इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप इस वीडियो से तुम्हें ज़रूर मदद मिल सकती है, और इस चैप्टर से जो भी एग्ज़ाम में आएगा और जितने भी नोट्स है वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दी है. और कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो तुम. और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखो, जिससे आने वाली नए अपडेट इस चैनल पे तुम्हें पहले ही मिल जाएंगी और उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.